भारतीयों को अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत अलहदा अलहदा मुल्क क्यों बन गए, इस बात का एहसास दिलाया दुर्रेफिसन सलीम ने, मगर कैसे। अस्सलाम वालेकुम, बैम न्यूज में खुशामदीद। आज हमारी ब्रेकिंग न्यूज है, भारतीयों का भारत पे अफसोस, वजह बनी दुर्रेफिशां की बढ़ती हुई मकबूलियत। ये हैं दुर्रेफिशां सलीम, पाकिस्तान की मारूफ और मशहूर अदाकारा, जिनके ड्रामे बैन अल-अक़वामी सतह पर जाने और पहचाने जा रहे हैं और दिन ब दिन मकबूलियत के आसमान पर ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं। दुर्रेफिशां सलीम के ड्रामे इस वक्त हाईएस्ट रेटिंग पर हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में। कैसी तेरी खुदगर्जी, इश्क मुर्शद और खई, ये वो ड्रामे हैं जिसने रातों रात दुर्रेफिशां सलीम को बैन अल-अक़वामी अदाकारा बना दिया और उनकी शोहरत भारत तक जा पहुंची है। भारत में दुर्रेफिशां सलीम के ड्रामों की सबसे ज्यादा रेटिंग है। हम आपको मजीद तफसीलात से आगाह करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन में, तो आगे चले। और भारतीयों को अब इंडो पाक पार्टीशन पे अफसोस हो रहा है, जैसे कि भारतीय सब्सक्राइबर रमेश ने कहा कि आज पहली बार हमको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान को अलग करके गांधी ने गलत हरकत की। दूसरी जानिब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा गलत हो गया, मिश्रा साहब ने कहा। इसी तरह से एक और सब्सक्राइबर ने भी अपने दिल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पार्टीशन को देख कर दुख हो रहा है। दुर्रेफिशां सलीम ने भारतीयों को इस बात का एहसास दिला दिया है कि पाकिस्तान भारत की अलहदगी गलत थी। बैम न्यूज में और भी बहुत कुछ, मैं हूं कामरान जावेद, इजाजत दीजिए और देखते रहिए बैम न्यूज। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं बैम न्यूज़।